हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। और जो व्रत की थाली होती है उसमें जो भी हम सब्जी बनाते हैं उसमें ना ही लहसुन डलता है और ना ही प्याज डलता है। तो बिना लहसुन प्याज के मैं आपके साथ सब्जी शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी आलू का रायता। आलू के रायते के लिए मैंने दही लिया है, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और मैंने इसमें डाल दिया है सेंधा नमक और डाल दिया है काली मिर्च पाउडर। साथ ही में मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और मैंने बारीक कटे हुए उबले हुए आलू डाल दिए हैं। साथ ही में डाल दिया है धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू का रायता हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। अब बनाएंगे हम साबूदाना की खीर। साबूदाना को हम भिगोकर रख लेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। और उसके बाद बर्तन लेंगे, उसमें दूध डाल देंगे, दूध को गर्म करेंगे और जो भिगा हुआ जो साबूदाना है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा फूल चुका है साबूदाना और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद हम डाल देंगे अपनी कोई भी मनपसंद का जो है ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है और मगज लिए हैं। खीर जब पकने लग जाए तो इसमें डाल देंगे हम चीनी। चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद खीर को अच्छी तरह से पकने देंगे और जो खीर है हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। अब बनाएंगे हम साबूदाना की टिक्की। टिक्की बनाने के लिए मैंने साबूदाना को भिगोकर रखा हुआ था और इसके बाद इसमें मैंने उबले हुए आलू डाल दिए और डाल दिया कुट्टू का आटा और इसमें डाल दी काली मिर्च, सेंधा नमक, साथ ही में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में डाल देंगे हरा धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे बटर या घी से। इसके बाद जो आलू और साबूदाना का जो मिक्सचर बनाया है उसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें एक एक करके हम टिक्कियाँ डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने देंगे। तो चलिए, इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ हैं जो फ्राई कर ली हैं और ये बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए, अब बारी आती है सब्जी की। तो सब्जी में सबसे पहले मैं बनाऊंगी टमाटो पनीर। अब हम टमाटर, हरी मिर्च, काजू और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे को हम चटकने देंगे और इसके बाद हम डाल देंगे पेस्ट। इसको अच्छी तरह से पका लेंगे हम। जब ये तेल छोड़ देगा तो इसमें डाल देंगे हम सूखे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और डाल देंगे धनिया पाउडर और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी हम देखकर डालेंगे, आपको कितनी गाढ़ी और पतली चाहिए उसी हिसाब से डाल देंगे। और इसके बाद डाली है हमने मलाई। मलाई थोड़ी सी डाली है हमने और इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। तो जो ग्रेवी है हमारी पक चुकी है और इसमें डाल दिया हमने पनीर। पनीर डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया। सब्जी अच्छी तरह से पकने लगी है, अब इसमें डाल देंगे हम सेंधा नमक और नमक डालकर भी इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जो टमाटो पनीर है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बना लेंगे जीरा, टमाटर, आलू। और इसमें सबसे पहले हम जीरा लेंगे और जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे। तो भुना हुआ जीरा पाउडर तैयार हो चुका है और इसके बाद हम तेल लेंगे, तेल को गर्म कर लेंगे और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे को चटकने देंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। साथ ही हम डाल देंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च, देगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर
सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर, और इसको अच्छी तरह से टमाटर के अंदर पकने देंगे। जैसे ही मसाला पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम उबले हुए आलू, जो कि मैंने थोड़े मोटे साइज़ में काटे हुए हैं, और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और थोड़ा सा चम्मच से ही इसको फोड़ लेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है पानी, पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और जैसे ही ये पकने लग जाएगा तो सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। इसमें डाल दिया मैंने धनिया। अब बना लेंगे हम व्रत वाले चावल। तो चावल ले लेंगे हम एक कटोरी के करीब और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे हम। कुकर लेंगे, कुकर के अंदर डाल देंगे देसी घी और देसी घी को गर्म होने देंगे, और साथ ही में डाल देंगे हम मूंगफली, कच्ची मूंगफली, और डाल देंगे काजू। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे हम, और इसके बाद इसमें डाल देंगे धुले हुए चावल। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल देंगे सेंधा नमक थोड़ा सा, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही में इसके डाल देंगे पानी, पानी हमने 2 ग्लास लिए हैं। पानी डालकर भी इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके बाद कुकर बंद कर इसको सीटी लगवा लेंगे, 2 सीटी लगवा लेंगे। इसके बाद बारी आती है पूरियों की, तो पूरियां बनाऊंगी मैं कुट्टू के आटे की। और मैंने ले लिया है कुट्टू का आटा, और इसमें मैंने डाल दिया है सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। तो चलिए, आटा जो है तैयार हो चुका है, और इसके बाद जो है पूरियां बनाऊंगी। पूरियां बनाने के लिए मैंने एक पॉलीथीन लिया है, और साफ पॉलीथीन है, और मैंने थोड़ा सा पेड़ा लिया है। इसको हाथों की सहायता से पूरी की शेप दे देंगे, और इसको गर्म तेल में हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, जो पूरियां हैं हमारी अच्छी तरह से फूलने लग गई हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फुली फुली सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे, इसी तरह से हम सारी पूरियां बना लेंगे। चलिए, अब हम अपनी जो थाली है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में मैंने कटोरी की सहायता से चावल को शेप दे दी है, और लिया है टमाटो पनीर, साथ में लिया है जीरा आलू, साबूदाना की खीर, आलू का रायता, पूरियां ले ली हैं, और ली हैं साबूदाना की टिक्की, साथ ही में मैंने रख दिया है खीरा, अनार और केले, और मैंने लिया है चिप्स, और साथ में लिया है मैंने बाथू के लड्डू। तो ये हमारी व्रत वाली थाली कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना ज़रूर, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।